हाय स्टूडेंट्स, बेटा गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? तो आइए चलते हैं हमारे क्लास सिक्स में स्टूडेंट्स के साथ लेसन एट। इसका नेम है रूरल लाइव वुड्स। इसमें मैंने कल एक वीडियो की थी कलपट्टू विलेज में, जो एक वो था तुलसी का, या फिर वहाँ पर किस तरह से लोग अपने लाइफ को सर्वाइव करने के लिए क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। कुछ लोग लैंड लेस लेबर हैं, कुछ लोग जो है बिल्कुल लेबर हैं, और कुछ लोग जो है स्मॉल लैंड पे वर्क करते हैं। इनकी तमाम बातों को हमने देखा था, बट आज हम उसी विलेज में चलते हैं और कलपट्टू विलेज में, जहाँ पर एक ऐसे लोगों से लोग से मिलेंगे जो शेखर, इसका नाम क्या है शेखर, आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा स्लाइड आ रहा है, इसको आप दिखाई नहीं रहा होता, इसको हम देखते हैं क्या है शेखर, इसे कहते हैं हम लोग शेखर, जिसको देख सकते हैं हम लोग। तो आइए देखते हैं इसमें क्या होता है, इसकी कंडीशन क्या है, कैसे लाइफ को सर्वाइव करता है, और लाइफ को सर्वाइव करने के लिए क्या क्या वर्क करता है, तो हम देखते हैं इसको। आइए, अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप पेज नंबर 70 को ओपन कर लीजिए, ताकि आपको लाइन बाय लाइन समझ में आ जाए। तो वी हैव टू कैरी दिस पैडी टू आवर हाउस, यानी कि यहाँ पर जो है पैडी को अपने घरों से ले जा रहे हैं लोग। माई फैमिली हैज जस्ट फिनिश्ड हार्वेस्टिंग आवर फील्ड, यानी कि शेखर की फैमिली है अभी हार्वेस्ट हुआ है, यानी कि धान की फसल जो है कटा हुआ है, और उसे अपने घरों में ले जा रहे हैं। वी डोंट ओन मच लैंड, यानी कि इनके पास बहुत ज़्यादा जमीन नहीं है, ओनली 2 acres लैंड होती है इनके पास। वी मैनेज टू ऑल द वर्क ऑन आवर ओन, इन सारे वर्क को खुद से करते हैं। वी मैनेज डू ऑल द वर्क ऑन आवर ओन एट टाइम, स्पेशली ड्यूरिंग द हार्वेस्ट आई टेक द हेल्प ऑफ अदर स्मॉल फार्मर्स एंड इन द टर्न हेल्प देम हार्वेस्ट देयर फील्ड, यानी कि खासकर खेती के समय जब हार्वेस्ट होता है तो वैसे समय में ये अपने पूरे फैमिली के साथ साथ कुछ बाहर से भी हेल्प लेते हैं। ठीक है, द ट्रेडर्स गेव मी सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स एज अ लोन, जब इनके पास खेती में कुछ वर्क करना होता है तो जो ट्रेडर्स होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, इन्हें लोन के रूप में सीड्स और जो फर्टिलाइजर्स है प्रोवाइड करा देते हैं। टू पे बैक दिस लोन आई हैव टू सेल माई पैडी टू हिम एट द सम वाट लोअर प्राइस दैन वाट आई वुड गेट इन द मार्केट, यानी कि देखिए क्या करते हैं कि व्यापारी से लोन ले लेते हैं पैसा, कि भाई हमें आप लोन दीजिए, इसके बदले में हम सीड परचेज करेंगे और क्या करेंगे फर्टिलाइजर्स या अदर इनपुट परचेज करेंगे, लेकिन जब हमारा फसल हार्वेस्ट होगा तो मैं आप ही को सेल करूंगा, मैं अदर को सेल नहीं करूंगा, जबकि मार्केट प्राइस से कम होगा, क्योंकि अगर आप अपने से सेल करते मार्केट में जाकर के तो ज़्यादा पैसा मिलता, लेकिन आपको सेल करूंगा इसलिए कि आपने क्या किया है, हमें एडवांस में पैसे दिए हैं जिससे हमने सीड्स और फर्टिलाइजर्स को परचेज किया हूँ, इस बात पे वो देते हैं। आई विल प्रोबेबली गेट 60 बैग ऑफ पैडी फ्रॉम माई फील्ड, यानी कि ये 60 जो है बैग पैडी जो इनके प्रोडक्शन होता है। सम ऑफ दिस आई विल सेल टू सेटल्ड अ लोन, यानी कुछ उसमें से कुछ ऐसे अमाउंट है पैडी का जो सेटल लोन को देने के लिए सेल कर देते हैं। एंड द रेस्ट विल बी यूज इन माई होम, और बाकी जो है अपने घर में ये यूज करते हैं। बट वाट एवर आई हैव विल लास्ट ओनली 8 months, सो आई नीड टू अर्न सम मनी, आई वर्क इन रामलिंगम्स राइस मिल, कहते हैं कि कुछ ही दिन हमर वर्क कर पाते हैं, बाकी जो है अपने अर्न करने के लिए अदर्स वर्क करते हैं। रामलिंगम का आपने देखा पिछले वीडियो में, उसके पास बहुत सारे लैंड्स होते हैं नियर 200 acres, उसके राइस मिल में वर्क करते हैं। हेयर आई हेल्प हिम कलेक्ट पैडी फ्रॉम अदर्स फार्मर इन द नेबरिंग विलेज, और क्या करते हैं दूसरे लोगों से जो पड़ोसी से चावल लेते हैं और उसको ये करते हैं, आई हेल्प हिम, ये हेल्प करते हैं। वी ऑल्सो हैव हाइब्रिड काउ, इनके पास एक गाय भी है, हु मिल्क वी सेल इन द लोकल मिल्क कोऑपरेटिव, जो इनका दूध जो है लेते हैं, निकालते हैं गाय का, और क्या करते हैं कोऑपरेटिव में सेल करते हैं। दिस वे वी गेट अ लिटिल एक्स्ट्रा मनी फॉर आवर एवरीडे नीड्स, यहाँ से भी इनकी एक इनकम हो जाती है। ऑन बींग इन डेब्ट, यानी कि कर्ज में ही रह जाते हैं ये फार्मर ऐसे हैं जो क्या करते हैं बार बार लोन लेते हैं, और हर बार क्या करते हैं लोन से जो है एग्रीकल्चरल करते हैं,
और लोन को पे करने में बहुत सारी प्रोडक्शन जो है अपने प्रोडक्शन का बहुत सारा अमाउंट जो है लोन पे करने के लिए सेल कर देते हैं, यानी कि वर्क करते हैं ये, और वर्क का ज्यादा मैक्सिमम बेनिफिट जो है क्या करते हैं, अदर लोग इसको ले लेते हैं। ओके, ऑल्सो वी हैव नेक्स्ट है एज वी हैव रीड अबाउट, हमने देखा ऊपर की वीडियो में कि वेरी ऑफन फार्मर्स लाइक सेकर, सेकर के बहुत सारे फैमिली हैं जो अपने नीड्स को पूरा करने के लिए सूद पे पैसे लेते हैं, इंटरेस्ट पे पैसे लेते हैं और बेसिक चीज को परचेज करते हैं, जैसे लाइक सीड हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, अदर्स जो है परचेज करते हैं। ऑफन दे बोरो दिस मनी फ्रॉम मनी लेंडर्स, ये मनी लेंडर से पैसे लेते हैं। इफ द नीड सीड्स आर नॉट ऑफ द गुड क्वालिटी और पैक्स अटैक ऑन द क्रॉप्स दे कैन मेजर क्रॉप फेल्यूर, मान लीजिए कि उनके हाथ तो अवेलेबल हो गया, उन्होंने अपने प्रोडक्शन को सेल करके लोन को पे कर दिया, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसमें कीटाणु लग जाने से या जीवा मतलब अदर्स मतलब अदर्स रीजन से क्या होते हैं उनके जो क्रॉप्स है वो फेल्यूर हो जाते हैं, यानी कि प्रोडक्शन नहीं दे पाते हैं, तो क्या होगा, वो लोन पे नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब क्या है, जो उस साल का जो लोन लिए हैं वो रह जाएगा, फिर हमें अगले सीजन में जो क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए फिर से लोन लेना पड़ेगा, तो क्या होगा, डबल जब्त हो जाएगा, यानी कि लोग कर्ज में जो है दब जाते हैं। द क्रॉप्स कैन ऑल्सो बी रिटेन्ड इन द सीजन डज नॉट ब्रिंग इनफ रेन, यानी कि किसी वजह से बरसात ना होने की वजह से, अदर पर्पज की वजह से जो फसल नहीं होती है, तो क्या होता है, वेन दिस हैपेंस फार्मर समटाइम्स टू एनेबल टू पे बैक देयर लोन्स एंड फॉर द फैमिली टू सर्वाइव दे मे इवेन हैव टू ब्रो बरो मोर मनी सून ऑन लोन बिकम्स सो लार्ज दैट डोंट मैटर वाट दे अर्न दे आर एबल टू रीपे अनेबल टू रीपे, यानी कि बार बार जो है फसल ना होने की वजह से ये क्या होते हैं, कर्ज में डूब जाते हैं और लास्ट में क्या होता है, उस कर्ज को पे नहीं कर पाते हैं। दिस इज वेन वी से दे आर कैच इन डेप्ट, यानी कि कर्ज का शिकार बन जाते हैं। इन रिसेंट ईयर दिस हैज बिकम अ मेजर कॉज ऑफ डिस्ट्रेस एमंग फार्मर्स, यानी किसानों की, अभी आप देख रहे होंगे कि पंजाब हरियाणा में किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से स्ट्राइक कर रहे हैं अपनी बातों को रखने के लिए, तो ऐसी बहुत सारे सुना है किसान ने कर्ज न चुकाने की वजह से लगाई फांसी या जान गंवाई, ऐसे अपने मैटर कई बार पढ़ते होंगे पेपर वगैरह में, तो क्या होते हैं ऐसे स्मॉल फार्मर जो हैं कर्ज में दब जाते हैं और उसको पे नहीं कर पाते हैं, तो क्या करते हैं अपने छोटी सी लैंड के पार्ट को सेल करके उस कर्ज से मुक्त होते हैं या फिर अदर्स वे यूज करते हैं। इन सम एरियाज दिस हैज ऑल्सो रिजल्टेड इन मेनी फार्मर्स कमिटिंग सुसाइड, यानी क्या करते हैं कर्ज नहीं पे करने से सुसाइड कर लेते हैं। अब रामलिंगम एंड करुथमा, यानी कि दिखते हैं यहाँ पर दो कंडीशन है, दोनों की बातों को हम यहाँ चर्चा करेंगे। इन एडिशन टू लैंड, हम लैंड के बारे में मतलब इसके अलावा बात करें तो रामलिंगम्स फैमिली ओन्स अ राइस मिल एंड अ सोप सेलिंग सीड्स पेस्टिसाइड ईटीसी, यानी कि रामलिंगम की बात करते हैं, उसके पास बहुत ज़्यादा लैंड भी होता है, उसके अलावा उसका अपना एक राइस मिल भी होता है और उसके अलावा भी क्या होते हैं सीड्स पेस्टिसाइड यानी खाद उर्वरक जो है सेल करने का उसका एक अपना सोप भी होता है। फॉर द राइस मिल दे यूज सम ऑफ देयर ओन मनी एंड ऑल्सो बोरो फ्रॉम द गवर्नमेंट बैंक, यानी कि जो है कुछ तो इसको राइस मिल से पैसा आ जाता है और कुछ जो है गवर्नमेंट से ये लोन ले लेता है। ओके, दे बाई पैडी फ्रॉम विद इन द विलेज एंड फ्रॉम सराउंडिंग विलेज, वो क्या करता है कुछ पैसे लेकर के अपने गांव से या फिर अगल बगल के पड़ोसी गांवों से पैडी को परचेज कर लेता है। द राइस दैट इज प्रोड्यूस इन द मिल इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन नियर बाई टाउन्स, उसे उस पैडी से क्या करता है राइस मिल में अपना जो उसे राइस निकालता है, राइस निकालने के बाद मार्केट में उसको सेल कर देता है। दिस गिव्स देम अ सब्सटेंशियल इनकम, उससे क्या होता है इसको अच्छी खासी इनकम हो जाती है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि रामलिंगम का काम किस तरह से चल रहा है, उसके लिए उन्होंने क्या क्या कर रहे हैं, तो आप भी देखा आपने देखा इसको। अब आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वो है आपका एग्रीकल्चरल लेबर्स एंड फार्मर्स इन इंडिया, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।